मैं धरती पर स्वर्ग से गिरा, ऐसे जैसे सुबह का सितारा धरती की ओर जा रहा हो। मैं मलेशिया की दर्द भरी चिल्लाहट में चलने वाला राजकुमार, बीते हुए दिनों को दिमाग में रखने वाला। क्राइस्ट ने मेरी सोच को गलत ठहराया, उसने मेरे साथ करार किया। उसी दिन मैं क्रिश्चियन बना, क्रॉस के नाम पर, प्यार और पवित्र शराब के नाम पर। मैं राजा था, मैं ही राजा था। ओ मेरे सुंदर देश, मैं ही विचारधारा और चर्च था आपकी आत्मा का। मेरे पुरखों के ईश्वर ने मुझे सुरक्षित रखा था। फिर भी चर्च ने मुझ पे दंत कथाओं के अजीब खलनायक का ठप्पा लगाया। क्रॉस का पूरा दुश्मन और खूनी राक्षस, धोखेबाजी और धोखा, बौखलाहट और अफरा तफरी, बदहवासी। मैंने खेल छोड़ दिया, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। मैं कई दिनों तक इंतजार करता रहा, भूखा और प्यासा, सिर्फ बदले के लिए। जंगलों ने मुझे सुरक्षित स्वर्ग दिया, रात ने मुझे छुपाया। मैं हारा हुआ फरिश्ता हूं, इकलौता जो पवित्र प्रेमिका और उसकी झूठी विचारधारा की तकदीर तय करने वाला। मुझे याद है मेरी प्रेमिका शेरोन वादी के गुलाबों की तरह खूबसूरत, उसकी प्यारी आंखें लेबनन के परिंदों की तरह दिखती थी। कभी मैं भी मोहब्बत में किस्मत वाला था, लेकिन बुरी किस्मत ने मुझे उससे जुदा कर दिया। मैंने उसे दो बार खोया, मैंने उसकी नाजुक गर्दन की बैंगनी नसों का इंतजार किया। मेरा प्यार जिंदा होगा और मुझ तक पहुंचेगा। मैंने अपनी हथेली पर उसे तराश कर रखा है। मैं मेरे दुश्मनों की कोशिशों पर बरस पड़ूंगा। मैं ऐसी ठंडी हवा बनूंगा जो उनकी रीढ़ को चौंका देगी। मैं मेरी बीती शान फिर से पालूंगा। मैंने खुद से ये पहला वादा किया है। तुम और वो औरत जिसने प्यार को खोजा, वक्त मेरे साथ है और मेरी किस्मत भी। तुम बहुत आगे जा चुके हो बेटे, फिर से नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या वो आएगा? लगता तो है। तो तुम्हें पूरा यकीन नहीं है? वो बस ऐसे ही है। गर्व? नहीं, बस वो अलग सा है। अगर वो यहां आने के लिए तैयार नहीं है तो हम उसके यहां चलते हैं, हमारे पास वक्त कम है। बिशप, मैं खुद उसे आप तक लेकर आऊंगा। तो हम अभी उसके यहां चलते हैं। मुझे माफ कीजिए,
मैं आपको पहचान नहीं पाया। इससे पहले मुझे आप जैसा कोई शख्स ढूंढते हुए कभी नहीं आया था। आपका मिलने आना चौंकाने वाला है। गलती करूं तो सही कीजिए, लेकिन इन कत्ल में मैं अजीब कुछ भी नहीं देख पा रहा हूं। हमारी सोच से बिल्कुल परे है ये खूनी। कातिलों की तारीफ करना हमारी बहस का मुद्दा नहीं है। एक बात पूछो सर, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ये क्यों हुआ मुद्दा ये है, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि ये कोई मामूली सीरियल किलर नहीं है। आप बहुत यकीन के साथ कहते हैं, लेकिन मुझे गवाह चाहिए। ये घटनाएं अनोखी नहीं है। 30 साल पहले कुछ ऐसी ही घटनाएं घटी थी, यकीन नहीं करोगे। उस वक्त कई लड़कियों की लाशों को चर्च यार्ड से चोरी कर लिया गया था। चर्च ने इस अनोखी घटना को छुपाए रखा, मीडिया से बहुत दूर। ये लाशें बाद में अनचाही और अनजानी जगहों पर मिली। हर किसी के बाल पीछे से बंधे हुए थे और सिर तोड़ दिया गया था। एक शख्स है जो इस रहस्य को सुलझा सकता है, फादर निकल्सन। वैसे चर्च ने उसे निकाल दिया है। क्यों? क्या उसने बताया नहीं तुम्हें इस बारे में? ऊपर वाला इस बात को जानता है, मुझे नहीं बताया। वैसे तो फादर निकल्सन ऐसी घटनाओं को देखने और अंजाम देने में माहिर थे। वो कभी सच्चाई सामने नहीं लाते थे, ना ही बारीकियां बताते थे। इसी वजह से उन्हें आखिरकार निकाल दिया गया। और साथ ही उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई। हाँ बिल्कुल। वैसे तो फादर निकल्सन ने इस बारे में कभी नहीं बताया। जिन डॉक्टरों ने उनकी आंखों की जांच की, उन्हें खरोंच तक नहीं दिखाई दी आंखों पर। और आप चाहते हैं कि मैं फादर निकल्सन के साथ दोस्ती करूं ताकि इन वारदातों की छानबीन हो सके? सिर्फ इतना नहीं, कुछ लोग कहते हैं तुम्हारे पास रहस्यात्मक शक्तियां हैं, मेरा मतलब ईश्वर का वरदान। मैं आज ही फादर निकल्सन से मिलूंगा, लेकिन उनका रवैया मेरे साथ अच्छा रहेगा इसकी मैं ज्यादा उम्मीद नहीं करता हूं। ब्रदर बेंजामिन, मैं यही कहना चाहता हूं कि चीजें बदतर होती जाएंगी अगर हमने इन्हें नहीं रोका तो। यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे मिलने आई। मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रही थी। तो तुम्हारी इच्छा पूरी हुई? नहीं, वैसे नहीं। मैं बस क्राइस्ट और तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मैंने सोचा तुम फैशनेबल हो गई होगी और बाल कटवा लिए होंगे, लेकिन मेरी छोटी बहन में कोई बदलाव नहीं है। अब मुझे बताओ तुम यहाँ कैसे? अंदाजा लगाओ तो। रुको, मुझे पता है। मेरी छोटी बहन को कोई बड़ा ऑफर मिला है, जैसे कोई बड़ा कॉल। बिल्कुल, और बोलो। हॉलीवुड से? नहीं। मुझे डराओ मत क्लारा, अब बता भी दो। परेशान मत होना दीदी, ये बहुत आसान है। मैंने फैसला किया है कि मैं तुम्हारी जैसी बनूंगी। मेरा मतलब, मैंने ये कॉन्वेंट ज्वाइन करने का फैसला किया है। तुम्हें हो क्या गया है क्लारा? कुछ भी नहीं, मैंने थोड़ी से भी नहीं बदली। नहीं, कॉन्वेंट नहीं, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है दीदी, मेरा यकीन करो, ये मेरा खुद का फैसला है। नहीं, वो नहीं, मैं खुद पर भरोसा नहीं कर पा रही। ये आसान नहीं है, तुम्हारी उम्र में शायद तुम समझ नहीं पा रही। तुमने कॉन्वेंट ज्वाइन किया था जब तुम मुझसे भी छोटी थी, है ना? तुम ऐसे ही नहीं ज्वाइन कर सकती, ये बहुत ही बड़ा फैसला है। कई दिनों से मुझे ऐसी इच्छा हो रही है। ये इच्छा की बात नहीं है, इसमें सब कुछ त्याग करना पड़ता है और वो भी एक दिन में। और मुझे पता है कि ये मुश्किल है, मैं ये नहीं चाहती। ब्रदर बेंजामिन, मेरी सलाह नजरअंदाज मत करना, ये ईश्वरीय था। प्रार्थना करो कि तुम प्रलोभन में नहीं फंसोगे। लूक चैप्टर 22:40। हम चर्च के लिए जो कुछ करते हैं उसके लिए शैतान हमेशा हमें कमजोर करता है। पर रोको उसे, तकदीर पर यकीन करो, क्योंकि जितने तुम्हारे भाई इस दुनिया में हैं उन्होंने भी ये तकलीफ उठाई है। और आपका भाई होने के नाते मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं 1 Peter 5:9, मैं डरा नहीं हूं। वो अपनी प्रलोभन की दृष्टि
मुझ पर नहीं डाल पाएगा। वो एक ऐसा हैवान है जो किसी को तुरंत खाना चाहता है। Luke 5:8। तुम लालच में फंस सकते हो मेरे बच्चे, चौंकन्ने रहो और खुद पे काबू। उसका विरोध करो और शैतान तुमसे दूर चला जाएगा। James 4:7। मुझे ईश्वर का वरदान मिलना चाहिए प्रलोभन से बचने के लिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा काफी सबूत इकट्ठा करने के बाद। ईश्वर हम सबको शक्ति दे। ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे फैसले की कदर करती हूँ, फिर भी तुम्हारे पास सोचने के लिए काफी वक्त है। मुझे फिर से सोचने के लिए फिर से जन्म लेना होगा। ये कॉन्वेंट भाग्यशाली है, मैंने आज तक ऐसी दृढ़ निश्चय वाली लड़की को नहीं देखा। मेरी एक इच्छा है, मैं कल के क्वेयर में गाना चाहती हूँ। मेरे गाने आईपॉड में है, क्या मैं ये वापस ले सकती हूँ? नहीं डियर। ओके, कोई बात नहीं। मैंने पाप किया है, मुझे माफी दो। मेरे मन में बुरे ख्याल आए हैं, लड़की को देखकर मुझे माफी दो। मुझे माफ करो मेरी गलती के लिए, मैंने घोर पाप किया है, मुझे माफी दीजिए, माफी दीजिए। बेंजामिन, क्या कर रहे हो? चोरी? आठवीं आज्ञा तोड़ रहे हो? माफ कीजिए। मुझे धोखा देकर तुम्हें क्या मिलेगा? आप मुझे गलत समझ रहे हैं फादर। तो कौन सा रहस्य लेकर आए हो यहां? तुम्हें क्या लग रहा है, जो तुम चाहते हो वो मिलेगा तुम्हें? फादर, मैं बस कुछ जानने के लिए आया हूं, इतना ही बस, केवल उत्सुकता के कारण। तुम्हारे कितने सवालों के जवाब दिए हैं मैंने, तुम्हें क्यों यकीन है कि इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा? माफ कीजिए फादर, वहां गांव में कुछ अजीब तरीके से खून हुए हैं। बिशप को लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी राज जरूर हैं। मैं भी सोचता हूं कि यह किसी पागल आदमी का काम नहीं है। मैंने तो कुछ भी नहीं सुना, इन मर्डर्स में ऐसी क्या अजीब बात है? हर शिकार एक लड़की है और उसके सर के पीछे के बाल काट दिए गए हैं, जैसा पिछली बार हुआ था। क्या ये फिर से हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता।
सकता, मुझे माफ कर दो। फादर, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? कहाँ हैं फादर आप? ब्रदर बेंजामिन, तुम्हारा चेहरा कितना शांत था, लेकिन अब वो बदल चुका है कुछ ही दिनों में। तुम वहां थे उसी समय जब मैं भी वहां था। हाँ, तुम शायद मुझे भूल गए, पर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं। याद है जब तुम बीमार हो गए थे, तब मुझे नियुक्त किया गया था तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तब तुम साधु थे, पर अब तुम मालिक दिख रहे हो। हाँ, अब मैं ये महसूस कर सकता हूं और हमेशा करूंगा। ये बहुत अजीब है, मैं तुम पर कैसे यकीन कर सकता हूं? सेमिनरी के हर एक शख्स को मैं जानता हूं, यूनिवर्सिटी के भी, लेकिन भाई मैं तुम्हें नहीं जानता। यही तो वक्त का खेल है, जिसे मैं कैसे भूलूं। मैं प्यासा हूं, मेरी प्यास बुझाओ। फादर, आपने जो मुझे बताया है वो चौंकाने वाला है। एक इंसान के लिए ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है, पर मुझे चिंता है। इस सब में बेंजामिन की क्या भूमिका है? इसमें मेरा क्या महत्व है फादर? नए सवाल पैदा मत करो, मुझ पे भरोसा रखो। तकदीर से सब सही ही होगा। यहां से हमने शहर को काफी देख लिया, अब उधर देखना बेकार है। लोगों ने इतने सारे घर बनाए हैं, वो सब घर बेकार में नहीं बनाए हैं फादर। ब्रदर बेंजामिन, मैंने मेरी पूरी जिंदगी ड्रैकुला पर शोध किया है। मैं उसमें यकीन नहीं करता, वो एक दंत कथा है, एक चरित्र। मैं यकीन करता हूं सिर्फ साइकोलॉजिकल साइंस पर। आप समझ रहे हैं ना, ड्रैकुला सिर्फ इंसान का पाप की ओर रुझान दर्शाता है, डर और वो सब कुछ, और उसकी पाप को बढ़ावा देने की आदत। वो डर बढ़ाने वाली दंत कथा है, हर बाप के लिए जिसे बेटी है, हर इंसान के लिए जिसकी प्रेमिका है। वो पुरुष असुरक्षा की एक रचना है, और कभी कभी स्त्रियों की कल्पना। मैं पूरी तरह समझ गया हूं। ड्रैकुला का मतलब शायद भ्रम है, लेकिन मुझे उसकी दंत कथाओं के बारे में जानना है। यह कथा बहुत महत्वपूर्ण है, आप मुझे बताएंगे ना? बिल्कुल मेरे दोस्त, ये खलनायक एक अफवाह है, वो हम लोगों से संबंधित नहीं है। ड्रैक्यूला 15वीं सदी में रहता था, काउंट ड्रैक्यूला, ट्रांसिल्वेनिया के राजकुमार के सातवें बेटे का सातवां बेटा था, धर्मयोद्धा। कैथोलिक चर्च ने उसका बहिष्कार किया था। वो इकलौता था जो इंसानी मन को काबू कर सकता था और जानवरों को आज्ञा दे सकता था, इकलौता जो प्रलोभन को भी प्रलोभन दे। वो कुछ पलों के लिए चमगादड़ बन जाता था, वो खून पर जिंदा रहता था, पर वो किंवदंती है। दिखने में एकदम शांत और संतों जैसी सोच। क्रॉस उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक कि कोई धर्मनिष्ठ शख्स उसे इस्तेमाल न करे। चांदी उसकी इकलौती दुश्मन है, और गोली भी उसका नुकसान नहीं कर सकती। दूसरे पिशाचों से विपरीत,
वो सूरज की रोशनी में आ सकता है, वो अनैतिक हो सकता है, फिर भी जब लकड़ी का टुकड़ा उसके दिल को सही जगह पर चीर दे तो वो धूल बन जाएगा। बेंजामिन, मैं तुम्हें कुछ सच्चाइयां बताने जा रहा हूं, तुम मुझे बताओगे तुम क्या सोच रहे हो। कृपया मेरी परीक्षा न लें फादर, मैं उतना ही जानता हूं जितना आपने मुझे बताया है। तुम खुद सोचो, वो खून करने से पहले बाल उखाड़ लेते हैं। बिल्कुल सर के पीछे से, शायद वो कोई चिन्ह ढूंढ रहा हो, या शायद एक निशान या फिर कोई संकेत। सही कह रहे हो, वो एक चिन्ह ढूंढ रहा है। तो ये बिल्कुल साफ है, वो एक ऐसी लड़की ढूंढ रहा है जिसके सर के पीछे एक चिन्ह है। पर क्यों और किस लिए वो शैतान आम लोगों में उसे ढूंढ रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारे सवालों में ही जवाब है बेंजामिन। मेरे मालिक, मैं कामयाब नहीं हुई। मैंने कब्रों में कई लाशें ढूंढी, उनके सरों के पीछे तलाशा, पर वो मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे माफ कीजिए। क्या तुम प्यासी हो? आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आखिर मेरा कसूर क्या है? आप अभी तक उसे नहीं भूले हो मेरे मालिक। क्या आपको यकीन है कि वो आपके पास आएगी? क्या तुम उसे मुझ तक ले आओगी? क्या तुम प्लीज मेरे लिए उसे ढूंढोगी? सिस्टर एग्नेस, थैंक यू। इस बच्ची को आप यहाँ ले आई इससे पहले कि कोई नौजवान इसे गुमराह करता। मुझे यकीन है कि ईश्वर हमसे और ज्यादा प्यार करेंगे आज के इस संगीत में पूजा के बाद। Thank you.
आपकी अच्छाई के जरिए मैं आपको शराब ऑफर करता हूं, दिव्य फल और इंसानी हाथों का काम। ये बन जाएगा तुम्हारा स्पिरिचुअल ड्रिंक। इसकी सुगंध आप तक पहुंचे नरक के देवता, आप हम पर आशीर्वाद की वर्षा करें। ड्रैक्यूला के देवता डोमिनो काउंट, हम आपको कामुक वासना का ये प्याला अर्पण करते हैं। आपकी महिमा की खातिर खुद को इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि हम खुद भी खुश रह सकें। आओ हम सब मिलकर बोलें आमीन। आओ काउंट ड्रैक्यूला, पूरी दुनिया के राजा, इस बलिदान से आपके सेवक और गुलामों की आत्माओं को फायदा हो सकेगा। कोई मुझे बुला रहा है। Oh.
में कुछ अनैसर्गिक हो रहा है। ठीक है, मैं पक्का नहीं कह सकता, शायद नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। शुक्रिया, इससे मुझे काफी राहत मिली है, लेकिन अगर आपको कुछ मुझसे कहना है कभी भी तो कृपया बताइए, मुझे जरूर बताइए। ईश्वर हमें ऐसी तकलीफों से दूर रखे। बेंजामिन, ऐसा लगता है कि राहत का समय खत्म होने वाला है। बताइए क्या खबर है। कॉन्वेंट में एक नन का खून गिरा है, उसकी मर्जी के बगैर, बिना उसकी चाहत के। बेचारी बच्ची। क्लारा, ऐसी बेवकूफी मत करो। कौमार्य भंग होने के कई कारण होते हैं, ये सिर्फ सेक्स से नहीं होता, और ये तुम जानती हो। मैंने जो सपना देखा उसका क्या? मैंने उसे देखा है, उसकी परछाई नहीं, वो खुद था, एग्नेस। इतने सारे सालों से मैंने खुद को कैसे बचा के रखा है, मैं बस इस पर यकीन ही नहीं कर पा रही हूं कि मैं। क्या मैं ये देख सकता हूं? मुझे क्लारा से बात करनी होगी। आज नहीं ब्रदर, फिर कभी। मैं आपसे विनती करती हूं, वो पूरी तरह से टूट चुकी है। चलिए ठीक है, मैं आप ही से कुछ पूछना चाहता हूं। कहिए। उसके सर के बाल जहां से उखाड़ लिए गए हैं, कृपया आप देखिए कि वहां कुछ है, कोई निशान, कोई चिन्ह, या फिर ऐसा ही कुछ और। और ये कोई बहुत सीरियस नहीं है, सिर्फ छानबीन है, प्लीज देखिए। सिस्टर, ये मेरी आंखें बिल्कुल नहीं है, ये कमजोर जैसी है। मैं ये पंक्तियां पढ़ भी नहीं पा रही हूं, मैं इन पंक्तियों के अलावा सब कुछ देख सकती हूं। नहीं ब्रदर, मैंने ध्यान से देखा, वहां कुछ खास नहीं था सिवाय बाल के जो खून से लथपथ था।
क्लारा बिल्कुल ठीक है, उसे कल से बुखार हुआ था। मैं उसे बुलाती हूँ, तुम चाहो तो उससे बात कर सकते हो। तुम्हें पता नहीं है कि तुम किससे गुजर रही हो। हमें ये सिखाया गया था कि ये शैतान है। क्लारा, क्या तुम परसों उसी कमरे में सोई थी? नहीं, मदर ने उसे बंद रखा है। ज्यादा सवाल पूछ के मैं तुम्हें हैरान नहीं करना चाहता। तुम जो चाहो पूछ सकते हो, मैं आज गले से बहुत सारे सवालों का जवाब दे रही हूँ। पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मैंने तो कोमलता महसूस की, और वो शैतानी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। शायद वो नहीं था, मैं थी जो उससे कुछ ज्यादा ही चाह रही थी। उसके पास कुछ था जिसे मैंने हमेशा ढूंढा है। अगर वो सपना था तो बहुत ही लाजवाब। मैं समझ सकता हूं, पर करंथियंस को याद करो, 11:13:15, ऐसे लोग झूठे अनुयायी होते हैं, धोखेबाज होते हैं। वो झूठा नाटक करते हैं जीसस के अनुयायी होने का, और ताजुब नहीं कि शैतान खुद प्रकाश का दूत होने का झूठा नाटक करे। यह आश्चर्य की बात नहीं अगर उसके सेवक ये झूठा नाटक करे कि वो नैतिकता के सेवक हैं। उनके कर्मों की वजह से ही उनका अंत होगा। शैतान, शैतान, क्या शैतान इंसान से प्यार कर सकता है? ब्रदर, क्या वो कर सकता है? मुझे आशीर्वाद दीजिए फादर, मैंने जो पाप किए हैं उसके लिए। क्या बात है बेटी? क्लारा, फादर तुम्हें कुछ गंभीर बताना चाहते हैं। हम तुम्हें समझ सकते हैं, फिर भी तुम अपने पाप की स्वीकृति नहीं टाल सकती। तुम्हें अपने गुनाह के बारे में सब कुछ बताना होगा। वो सब हो जाएगा मदर, पर क्या ये सब पाप है? ये सिर्फ पाप के बारे में नहीं है क्लारा, जानकारी तुम्हें मदद और राहत दे सकती है। मैं पाप स्वीकार करूंगी मदर। एग्नेस, तुम एग्नेस के लिए परेशान मत होना। बिशप के घर पे एक प्रीस्ट है जिन्हें फादर जानते हैं, उन्होंने कईयों को शैतान से मुक्त किया है। वो उसे बुरी आत्मा से मुक्ति दिलाएंगे। ब्रदर बेंजामिन तो नहीं? बेंजामिन की उम्र झाड़ फूंक करने की नहीं, वो छोटा है और उसे इस प्रीस्ट जितना अनुभव भी नहीं है। तो हम सिस्टर एग्नेस को जितनी जल्दी वापस ला सकते हैं लाएंगे, ठीक है? बेंजामिन को कुछ शंकाएं हैं, वो काफी जांच पड़ताल कर रहा है। उसकी आंखों में देखकर मैं खुद डर गई थी। Thank you.
अगर तुम में वाकई में शराफत है तो बाहर आ जाओ। देखो मैं तुम तक आई हूँ जबकि तुम बलवान हो, डरपोक की तरह छुपकर मत आओ। मुझे तुम्हारा बड़प्पन देखना है। मुझे चैलेंज क्यों कर रही हो? किसका इम्तिहान ले रही हो? ऐसी सख्त जुबान का इस्तेमाल क्यों कर रही हो जबकि मुझसे पहली बार मिलने आई हो तुम? तुम मुझे दर्द क्यों दे रही हो? तुमने मुझे अब तक नहीं पहचाना क्लारा। क्लारा ये मैं हूं। तुम मेरे कौन लगते हो? छुओ मुझे। प्लीज मुझे एक फूल दो मेरी जान। मेरा खून मीठा था या खट्टा था? शराब की तरह बहुत ही नशीला था। तुम हमेशा मेरे जहन में रही, जब मैं लड़ाई में था तब भी। तुम्हें बेचैनी नहीं होती थी? खूबसूरत बेचैनी। तुम्हें मेरी वजह से कभी भी हारना ना पड़े, मैं हर पल यही प्रार्थना करती हूँ। मुझे तुम सबको इकट्ठा क्यों देखना पड़ रहा है? सरकार चाहती है कि आप चर्च के खिलाफ अपनी सारी कार्यवाही जल्द रोकें। यह सिर्फ एक चाहत है, मुझे क्यों परेशान होना चाहिए? यह इच्छा के विपरीत है। मैंने साफ कहा था तुम्हें अपनी चाहत के लिए पसीना बहाना पड़ेगा। मैं इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। तुम्हें लगता है कि मैं इस अपमान का जवाब नहीं दे सकता? कोई बच्चा भी जवाब दे सकता है, जिसमें हिम्मत है बस वही आदर के साथ उत्तर दे सकता है। चलो हम सब चलते हैं। चलो ठीक है, तुम सबको माफ किया जाता है। हमें
हमें बिशप पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। हम झुक सकते थे, उसकी बात मानने का नाटक कर सकते थे। प्राथा, उसे कोई हक नहीं कि वो मुझसे इस तरह बात करे। वो मेरी मर्जी से इतनी ऊपर उठा है, क्या तुम ये भूल गए? वो लोगों को इकट्ठा करके हमें झुका सकते हैं। राजा मैं हूं, लोगों की मेहरबानियों पर मैं नहीं, स्वर्ग की आज्ञा से हूं। मैं माफी मांगूंगा सिर्फ ईश्वर से। क्लारा कहाँ है? वो फूल चुनने गई है। प्लीज अंदर आइए। मैं अपनी खुद की बहन को धोखा देने जा रही हूँ, फिर भी मैं ये करूंगी क्योंकि ये ईश्वर के लिए है। मुझे बहुत डर लग रहा है। शादी को लेकर? नहीं, वो नहीं। तुम राजा हो और मैं प्रजा हूँ। तुम एक अमीर लड़की हो और मैं एक गरीब राजा। क्या है मेरी अमीरी? क्या मैं उसे प्यार करके बताऊं? तुम पागल हो क्या? तुम मेरे दिए हुए कपड़े जरूर पहन। बिल्कुल। शैतान कहीं कि मैं बदला लेने जरूर लौटूंगा। Thank you.
एग्नेस, मुझे माफ कर दो, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं, पर तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, ओके? मैं यकीन दिलाती हूं, पर मुझे जाना होगा, मैं इस जगह की काबिल नहीं हूं, मुझे माफ कर दो। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। कुछ चीजें हैं जो तुम्हें पता नहीं है। मुझे सब कुछ पता है, चाहे तो मैं लोगों की जुबान बोलूं या परियों की, मुझे प्यार नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ शानदार घंटा हूं या फिर शोर करने वाली मोटी थाली। अगर मुझे भविष्यवाणी का वरदान मिले तो मैं सारे रहस्य और सारी जानकारी उन्हें दे दूं। चाहे मैं पर्वत पर्वत भी भटकती रहूं, तब भी मुझे कभी भी प्यार नहीं मिलेगा। मैं कुछ भी नहीं हूं। तुम कोरिंथियंस की बात कर रही हो, पर यह प्यार नहीं है, वो सिर्फ धुआं है, परछाई है, एक खूनी है, बिल्कुल शुरुआत से ही। क्लारा, उसके पास सच्चाई नहीं, उसमें खुद में सच्चाई नहीं। जब वो झूठ बोलता है, वो अपनी खुद की भाषा बोलता है, वो झूठा है, झूठों का सरताज है वो। जॉन 844। मेरा प्रेमी सिर्फ मेरा है और मैं उसकी प्रेमिका हूं। सॉन्ग ऑफ सोलोमन 216। क्लारा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मुझे लगा तुम उसका सिर लाओगे, तुमने निराश किया मुझे। फादर, ये मामला बिल्कुल अलग है, एकदम पेचीदा और जटिल। मेरी अकल काम नहीं कर रही है। मुझे इसी का डर था। फादर, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं चाहता था सच्चाई तुम खुद जानो। मैं उसके प्यार में यकीन नहीं करता, वो धोखेबाज है। तुम्हें और होशियार रहना होगा मेरे बच्चे। इस शैतान को कैसे मारा जाए, कैसे खत्म किया जाए, हमेशा हमेशा के लिए। हम उसके बारे में बहुत कम जानते हैं, वो सदियों पुराना है। उसका अंत किए बिना मैं चुप नहीं बैठूंगा। गुजारिश करता रहूंगा। मेरे दिल की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास है। मैं तुमसे प्यार करती हूं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। मैं तुम्हें तब तक नहीं पा सकता जब तक तुम मुझे पूरे दिल से, जिस्म से और रूह से प्यार नहीं करते। कई प्रेमी तुम्हारा ख्वाब देखते हैं, कई गर्दनें तुम्हारे दांतों के लिए झुकती है। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है। पहले जन्म में तुम तितली थी, मैंने तुम्हें दुनिया भर के फूलों में ढूंढा था। दूसरे जन्म में सुनहरी मछली थी,
मैंने तुम्हें दुनिया भर के पानी में ढूंढा, इस जन्म में तुम इंसान बन के आई और मैंने तुम्हें इंसानों में ढूंढा। जैसे तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। और किसे मैं अपना प्यार दूं मेरी जान? मुझे पता है कि हजारों तुम्हारे प्यार के लिए तरसते हैं, पर वो तुम जैसी नहीं है। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ओह माय गॉड। लेकिन तुम हो जो मुझे यहां लाई हो। मैं? हाँ। मैंने तुम्हारी आत्मा की पुकार सुनी, शैतान। वो शैतान से छुटकारा चाहती है। क्या प्यार शैतानी है? ये प्यार बिल्कुल नहीं है, तुम ये जानोगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी क्लारा। ओके, अगर ये सब बकवास है तो तुम मेरी भी सुनोगे? कोरिंथियंस 14:1, प्यार कभी नहीं हारता। 1 Timothy 1:5, उसके पास अच्छा दिल नहीं है, वो इस दुनिया की तबाही चाहता है। तुम जा सकते हो। ईश्वर ने हमें मिलाया है, ओके? इंसान हमें कभी जुदा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, तुम उसे अपने साथ सूरज की रोशनी में आने को कहो। वो नहीं आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ अंधेरे में रहता है। वो जरूर आएगा। नहीं क्लारा, उसकी चाहत सिर्फ गहरा अंधेरा है। उसके लिए और कुछ मायने नहीं रखता, यहां तक कि तुम भी नहीं। वो जो करेगा उसके बाद तुम्हारा जो हश्र होगा, फिर मैं भी नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। मैं ये चैलेंज स्वीकार करती हूं। वो मेरे साथ आएगा और वो भी इस दुनिया के आखिरी तक, और मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे बचाओ। क्लारा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्ति दूंगा, अगर क्राइस्ट के लिए नहीं तो मेरे लिए ही सही। हे
मुक्त करो इसे। तुम इस पर हावी नहीं हो सकते। मुक्त करो इसे, छोड़ दो इसे शैतान। जीसस, इस शैतान से मुक्त कराइए। It has been long, my dear friends, since I've kept my instincts in the dark. I would break the spell when it is time. I cast no shadows, go past the sun. I see no mirrors cross the water. छोड़ दो इसे, तुम्हें इसे मुक्त करना होगा शैतान, इसे छोड़ना होगा। Of the arts, I shall come for you, goddess. Keep your passions on fire till I kiss them to snow. I shall rise from dust and be the phoenix of the myths and laws and gain my losses all well and square. I shall rise from dust and be the phoenix of the myths and laws and gain my losses all well and square. इसे मुक्त करो शैतान। That shall be forever, yes forever, my friend. That shall be my will, dear. That shall be forever, yes forever, my friend. That shall be my will, dear. I have secrets, keep them forever. I, slave of the cross, win over the crescent. वो कहाँ है जो सिर्फ मेरी है? कीड़ों के राजा सुनो, तुम्हें कैसे लगा कि परी जैसी वो लड़की तुम्हारी कभी प्रेमिका हो सकती है? वो तुम्हारी कभी नहीं थी। तुम्हारा प्यार एक भ्रम है। क्लारा मेरी है, हर कीमत पर, सिर्फ मेरी। क्या तुम्हें सबूत चाहिए मेरे राजा? तुमने अपनी औकात दिखा दी ब्रदर। पहले भी तुमने मुझे यही कहा था ब्रदर। कुछ ऐसा बताओ जो मैं नहीं जानता। जरूर बताऊंगा, लेकिन भविष्य में वक्त आने पर। तुम भविष्य से नहीं जुड़े हो। तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय इस धूल के। तुम सिर्फ जुड़े हो कीड़ों से, और कीड़े तुमसे जुड़े हैं, पिशाचों के राजा। रेत के ये टीले तुम्हारा महल होगा। तुम मुझे सूंघ क्यों रहे हो ब्रदर? सूंघो, ये खुशबू सिर्फ मेरी है।
ब्रदर। तुम्हारे बगैर बिल्कुल जिंदा नहीं रह सकती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मैं तुम्हारी तरफ किसी और चीज की तरह नहीं देख रहा क्लारा। तुम मुझसे शादी करोगे? उसी महल में जहां पिछले जन्म हम दोनों जुदा हुए थे। तुम्हें चर्च में किसने देखा? सिस्टर एग्नेस ने। सिस्टर एग्नेस? हाँ। उसके बाद? उसके बाद उसने मुझे पाप से दूर रहने की ताकीद की, और तुमसे भी, नहीं तो मैं नरक में जाऊंगी, ऐसा ही वो कह रही थी। तुम क्या सोचकर वापस आई? मैं तुम्हारे साथ कहीं भी खुश रह सकती हूँ, नरक में भी। हम जल्द शादी करने वाले हैं ना? मुझसे शादी करोगे ना? जरूर करूंगा। यही तो मैं चाहती थी, सिर्फ हम दोनों, एक सुखमय जीवन। तुम्हारी इच्छा मेरे लिए हुक्म है। मेरी शादी का तोहफा क्या होगा? ये तुम तय करोगी मेरी जान। मैं तुम्हारे साथ इंसानी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ये मुमकिन नहीं है क्लारा। क्यों नहीं? तुम मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना? हम बूढ़े हो जाएंगे क्लारा। कभी नहीं। हमारा प्यार वक्त पर मात करेगा। हम मरेंगे नहीं, हम कभी पाप नहीं करेंगे। ये तुम क्या कह रही हो? क्या क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मुझे शादी का तोहफा दोगे ना? क्या तुम इससे पूरी तरह संतुष्ट हो? हाँ बिल्कुल, अब मैं खुद इससे निपटूंगा मेरी इच्छा से। ये मेरा कर्तव्य है मेरे पिता के प्रति, मेरे ईश्वर के प्रति। तुम होशियार हो मेरे बच्चे। पर फादर मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों चुना गया? अगर तुम्हारी किस्मत में जानना होगा तो जान जाओगे। मैं मेरी किस्मत का सामना करूंगा, पर मुझे सच जानना है मेरी आखिरी सांस से पहले। फादर, मैं यहां क्यों आया हूं फादर?
तुम यहां किस लिए आए हो यह पूछना बेवकूफी होगी। तुम्हारा मतलब सिर्फ तहजीब दिखाने के लिए? तो फिर बताओ किस लिए आए हो तुम यहां? आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, हाथ के बदले हाथ और पैर के बदले पैर। मैं रक्षक हूं जिनका कोई रक्षक नहीं, नेता हूं उनके लिए जो भटके हैं, नाव हूं, पुल हूं, रास्ता हूं जो आगे जाना चाहते हैं उनके लिए। ईश्वर हमारे पिता, तुम्हारी शक्ति से हम पैदा हुए, तुम्हारी ही शक्ति हमारी जिंदगी चलाती है और तुम्हारी आज्ञा से हम वापस आते हैं। मैं खुद को पाप करने के लिए दोषी ठहराता हूं। मैंने खून किया है फादर। क्यों मेरे बच्चे? उसने मेरा बिस्तर चला दिया और मैं सो नहीं सका। उसने अकेले काम कभी नहीं किया और आप ये बखूबी जानते हैं। ये क्या हो रहा है? मेरी रक्षा कीजिए। मेरी रक्षा कीजिए। मेरे देवता, तुम मेरे साथ नहीं आओगी? कहाँ? शादी में। जरूर मुझे भी ले चलिए। हमने जो कुछ भी खोया है हमें सब कुछ वापस मांगना है। हाँ, मैं आपको फिर से राजा बने हुए देखना चाहती हूँ। जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे पास रहोगी। मैं कुछ खास नहीं बनना चाहती हूँ, मुझे बस आपकी सेवा करनी है। मैंने आज तक तुम्हें कुछ नहीं दिया फिर भी तुम सदियों से मेरी सेवा कर रही हो। मुझे अपने हाथ चूमने दो। बस यही मुझे चाहिए, सिर्फ यही। मैं वादा करता हूं जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा। इस वक्त हमारी शादी में कोई प्रीस्ट नहीं है, तुम ही होली बाइबल में से कुछ पढ़ दो। सॉन्ग ऑफ सोलोमन 1:2, उसके मुंह के चुंबनों से उसे मुझे चूमने दो ताकि तुम्हारा प्यार शराब से भी नशीला हो। सॉन्ग ऑफ सोलोमन 8:6, मुझे अपने दिल पर ताले की तरह लगा दो, अपनी बाहों पर भी ताले की तरह, ताकि प्यार मौत जितनी ताकतवर बन सके। ये जलन कब्र की तरह जिद्दी है, ये भड़कती आग की तरह है, ताकतवर ज्वाला की तरह। सॉन्ग ऑफ सोलोमन 8:7, कोई पानी प्यार को कभी नहीं भिगा सकता, नदियां उसे बहा नहीं सकती। अगर कोई अपने प्यार को अपने घर की सारी संपत्ति दे तो असल में ये उसका अपमान होगा।
Song of Solomon 2:10-13। मेरी माशुका ने आकर मुझसे कहा, जागो मेरे महबूब, मेरी जाने मन, चलो मेरे साथ। जरा देखो, सर्दी का मौसम खत्म हो गया, बरसात भी बरस कर चली गई, धरती पर फूल खिले हैं, गाने का मौसम आ गया है, हमारी जमीन पर परिंदों की आवाज सुनाई दे रही है, पेड़ों पर वक्त से पहले ही फल आ चुके हैं, खिलने वाली शराब अपनी खुशबू फैला रही है। जागो, चलो मेरी जान है मन, मेरी लगते जिगर, आओ मेरे साथ। कल चांद नहीं होगा। एक बार वो बीत जाएगा तो तुम राजा बनोगे और मैं रानी। तुम मुझसे नफरत नहीं करती? किस लिए? तुम्हें ईश्वर से दूर ले जाने के लिए। तुम मेरे ईश्वर हो। आखिर मैं तुम्हारा हूं कौन? वो तुम हो जो प्यार हो, मैंने तुम्हें अपना मान लिया है। मेरे शादी का तोहफा कहाँ है? मैं लाना भूल गया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये नहीं हो सकता। हाँ, मैं सच में भूल गया हूँ, लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें इंसान बनना होगा ताकि मैं तुम्हारे साथ जिंदगी की शुरुआत कर सकूं। वो मुझे हासिल करने दो। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम एक इंसान बन जाओ, एक आम इंसान, मेरे पति। यह नामुमकिन है। ईश्वर, आपने क्यों छोड़ा मुझे? मैंने हजारों लोगों का कत्ल किया तुम्हारे लिए, आपकी शान को बरकरार रखने के लिए। यह है तुम्हारी शादी का तोहफा जो तुम तोड़ना चाहती थी। उसे मैं पहले ही तोड़ चुका हूं।
मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्लारा, एक पल के लिए भी नहीं। मेरा दिल फट गया है। अब हम किसी भी जन्म में साथ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि तुम दोसख में जाओगी और मैं जन्नत में। The stars could reach us down before till dawn. Ooh, you be brave, see me fine, kiss me on and give me life. The stars could reach us down before till dawn. I have tried to reach you, or shall you know, beloved? I have cried to have you, shall you know, my Lord? It's a new world, it's a new dream, it's all now here. Come for the good, suit us with blood, you won't.